हे गाइस व्हाट इज अप, और यहाँ पे आ गए हमारे पास फोटोनिक साउंड ड्रम प्लस 15 वॉट वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर। और आज का जो वीडियो है उसके अंदर करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और हाँ, देखेंगे वीडियो में कैसा इसका परफॉर्मेंस है, क्या ये वर्थ है या नहीं। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पे जाकर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सो प्रजा हियर, वेलकम टू चैनल ईटेक एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो है 2500 रुपीज़। ये अवेलेबल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड फोटोनिक्स के वेबसाइट के ऊपर। और जो खास बात है वो है फोटोनिक्स के वेबसाइट के ऊपर आपको 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप यहां पे कोड को अप्लाई करोगे ईटेक इन्फो। सो ये है फोटोनिक्स साउंड ड्रम प्लस। बॉक्स को यहाँ पे कट कर देते हैं और ओपन कर देते हैं और कुछ इस तरीके से पैकिंग में हमें ये मिल जाता है। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल, चार्जिंग केबल, वन साइड यहाँ पे आपको मिल जाएगी USB एंड अदर साइड आपको मिल जाएगा टाइप सी चार्जिंग केबल। और कुछ इस तरीके से पैकिंग में हमें ये मिल जाता है हमारा ब्लूटूथ स्पीकर। तो इसको रिमूव कर देते हैं। तो बॉक्स जो है उसके ऊपर काफ़ी सारे मेजर स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं। तो ये आता है बेस एंड ट्रेबल टॉगल बटन के साथ, लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.0, USB पेन ड्राइव, ऑक्स इन पोर्ट, इनबिल्ट माइक, क्लियर बेस साउंड, हाई क्वालिटी बैटरी, लॉन्ग लास्टिंग प्ले टाइम, IP60 वाटरप्रूफ रेटिंग विथ 1 ईयर वारंटी। बॉक्सिंग में से सबसे पहले जो है हमें मिल जाता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और काफ़ी बड़ा है और सभी के सभी यहाँ पे स्टेप मेंशन किए गए हैं, USB टू टाइप सी चार्जिंग केबल एंड फाइनली ब्लूटूथ स्पीकर। तो गाइज आपको इतना मिल जाएगा फ्रॉम द बॉक्स कंटेंट। अगर बात करें यहाँ पे लुक की, तो जैसा इसका नाम है साउंड ड्रम, ऐसा यहाँ पे ड्रम शेप में आपको मिलता है। और फ्रंट साइड आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स भी मिल जाता है। और हाँ, पूरा जो मटेरियल है वो आपको यहाँ पे क्लोथ टाइप मटेरियल जो रहता है ऐसा यहाँ पे आपको मिलता है। ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको यहाँ पे रबर का ग्रिप प्रोवाइड किया गया है। सबसे ऊपर एक बटन है डेडिकेटेड, जहाँ से आप बेस इफेक्ट एंड ट्रेबल इफेक्ट को यहाँ पे स्विच कर सकते हो, जो काफ़ी यहाँ पे मुझे यूनिक लगा। सबसे नीचे आपको फर्म ग्रिप मिलती है, यानी वाइब्रेशन वो काफ़ी अच्छी तरीके से ये एब्जॉर्ब करता है। फोटोनिक्स जो लिखा है वहाँ पे हमारा पोर्ट पोर्शन है, जहाँ पे आपको इनपुट यानी टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, USB पोर्ट एंड ऑक्स केबल, और छोटा सा एक मिलता है आपको रीसेट का बटन। और उसके ऊपर यहाँ पे हैंग करने के लिए आपको यहाँ पे एक थ्रेड भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो भाई काफ़ी ऑसम वाला आपको बिल्ड क्वालिटी वाला ब्लूटूथ स्पीकर यहाँ पे मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे वेट की, तो इसका जो वेट है वो है 334 ग्राम। और एक यूनिक फीचर जो लगा वो है इसका वाटरप्रूफ रेटिंग जो है IPX6। तो भाई इसे आप हल्की फुल्की रेन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट टाइम कनेक्ट करना इसे काफ़ी इजी है, पावर ऑन कर दीजिए। और जैसे आप यहाँ पे पावर ऑन करोगे, यहाँ पे जो LED लाइट है वो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लिंक करेगा, तो आपको पता चल जाएगा ये चला गया है पेयरिंग मोड में। उसके बाद आपको जाना है मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ में, सर्च न्यू डिवाइस करना है और वहाँ पे आपको मिल जाएगा साउंड ड्रम प्लस, उसके ऊपर जाके क्लिक करना है और ये कनेक्ट हो जाएगा। मेक श्योर करना है कॉन्टैक्ट परमिशन को भी आपने यहाँ पे अलाउ किया हो। अगर बात करें यहाँ पे कंट्रोल्स की, तो काफ़ी परफेक्ट वर्क करते हैं। यहाँ पे आप जो प्ले बटन उसको यहाँ पे प्रेस करोगे, तो जो सॉन्ग है या तो फिर जो वीडियो है उसको ये प्ले एंड पॉज करेगा। प्लस और माइनस बटन से आप यहाँ पे जो सॉन्ग है या तो फिर वीडियो है उसको नेक्स्ट या तो फिर प्रीवियस कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूस प्रेस करके रखते हो प्लस या तो फिर माइनस बटन को, तो ये जो वॉल्यूम है उसको यहाँ पे अप एंड डाउन कर देता है। उसके ऊपर एक मल्टी फंक्शन बटन है जहाँ से आप मोड को भी चेंज कर सकते हो। और एक जो इसका यूनिक फीचर है वो है यहाँ पे आपको सिंगल बटन से डायनेमिक बेस एंड ट्रेबल कंट्रोल स्विच मिलता है। तो जैसे आप यहाँ पे प्रेस करते हो वाइट LED लाइट होता है, यानी ये चला जाता है बेस मोड में। और हाँ, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो पोर्ट है वो मिल जाते हैं। आप जो USB पेन ड्राइव है उससे भी यहाँ पे प्ले कर सकते हो, ऑक्स केबल से भी प्ले कर सकते हो, एक छोटा सा होल वाला बटन मिलता है जहाँ से आप क्विक रिसेट कर सकते हो, और चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पे टाइप सी का इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे आप यहाँ पे चार्जिंग के अंदर केबल को इंसर्ट करोगे तो ये चला जाएगा चार्जिंग मोड में, और यहाँ पे जो LED है वो भी यहाँ पे ब्लिंक करेगा। नॉनस्टॉप आप यहाँ पे 6 आवर का प्लेबैक यहाँ पे ले सकते हो। तो काफ़ी तगड़ा वाला आपको यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पे जो और एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो है इसकी माइक क्वालिटी। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको माइक क्वालिटी मिल जाती है। और छोटा सा हमने यहाँ पे टेस्ट किया है, तो आप यहाँ पे जज कर लीजिए कैसा ये साउंड करता है ड्यूरिंग द कॉल। आवाज़ कैसी आ रही है? आवाज़ अच्छी आ रही है। अच्छा, एक्चुअली ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है फोटोनिक्स का साउंड ड्रम प्लस, तो वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ।
नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा है, फोन से बात हो रही है ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, ठीक है, चलो। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे करने वाले हैं साउंड टेस्ट, और बेटर एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा आप यूज़ कीजिए हेडफोन या तो फिर ईयरफोन्स को। दोस्तों अगर फाइनली बात करें क्या आप इसे परचेस कर सकते हैं नहीं, क्या ये वर्थ है और कैसा इसका साउंड परफॉर्मेंस है, तो भाई जैसे हमने आगे टेस्ट किया 100% वॉल्यूम के ऊपर कोई भी सॉन्ग हो यानी बेस इफेक्ट वाला हो या ना हो, वोकल हो ट्रेबल हो, भाई काफ़ी सुपरली ये वर्क करता है। और जो मीन्स साउंड का आउटपुट है वो काफ़ी लाउड है और क्रिस्टल क्लियर है। और हाँ, यहाँ पे जो मीन्स बेस इफेक्ट वाला जो बटन है आपको भाई वो काफ़ी धमाकेदार है, बेस एंड ट्रेबल, तो आप अकॉर्डिंग टू यहाँ पे चूज कर सकते हो। मीन्स काफ़ी सारे यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ स्पीकर का रिव्यू किया है, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट है। और हाँ, परचेज लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।